good, 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 good. What a day! Woo! Amazing. Amazing, na? Ab jao, ghar jao. Anyway. अरे आपको सेट टॉप टू टो खूबसूरत लगा है, नीचे से लेकर ऊपर आते तक कॉरिडोर। अरे तो मुझे बताए मैं भी सही लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? सारे लोग चाय दो सेट की तारीफ आपकी तरफ, मेरी तरफ है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये वैसे आप ही की हिम्मत है इतने सारे मेहमानों को झेलने की है? अरे नहीं नहीं, ऐसा क्या 11 इयर्स मैरिड, जब उसको झेल सकता हूँ तो आपको झेलना क्या है? भाई जान शादीशुदा, तुम बहुत खुश हो अपनी बीवी के साथ? अकेले ही हम हैं, भाई। अच्छा, गवाही मारिया दे रही है। जो ऐसे मामले में बीच में ना बोले ना, उसकी भाई जान जो ऐसे मामले में ना बोले शाम में उसकी साहिर लोधी का क्या है, सुबह सुबह उठ के कुछ भी कर लेते हैं, तुमने क्यों नहीं बोला है? सही बात है। बट यू नो मैं मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इंसान जिसकी शादी बहुत अच्छी गुजर रही होती है, अल्लाह करे उसकी दूसरी भी हो। आमीन। तो हम लोगों की बीवियां के इंडियन है क्या? मेरे घर बम मारती है रात को, आपने बुलाया? तो हमने क्या किया? अरे तो भाई हम भाई भाई सदा तुमने अपने घर नहीं बुलाया ना। मिसेस खान रुलाएंगी क्या आप? इनकी बीवी अगर इनके जैसी बीवी मिल गई तो क्या होगा? मगर फैसला भी बहुत अच्छा है। अच्छा मैं जो दिल दिल में जो रो रहा है आदमी को बीवी रखनी है। मुसलमानों मैं शो समझा दूं मुसलमानों, अरे एक मिनट मेरे शो तो समझा रहे थे। साहिब को आज बोल ही नहीं रहे हैं। आजा प्लीज, जहाँ प्लीज जगह मिले वहाँ बैठ जाइए। क्या माया का इतना जिक्र हो गया, मुझे देख रही होगी तो। कौन मारिया? तुम कितना खुश होती हो इस बात पे? मारिया आज मैं मेहमान हूँ, आप लोग शो कर ले। कभी कभी ऐसा अच्छा लगता है। शो के नाम है कैसे लगती है मारिया? नमूनों हम सबको कैसे झेल लेते हैं? अच्छी बॉयज प्ले वेल एंड आई थिंक जिनकी शादी को 11 साल हो जाते हैं वो झेल ही सकते हैं। अच्छा ये तो सारी मजाक की बातें, थैंक यू ऑल फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब सबका तारुफ करवाऊंगा। लेकिन आज हम लोग किसी की बात पक्की करने जा रहे हैं, ओरिजिनल बात पक्की हो रही है। और लड़की जो है वो थोड़ी देर के अंदर यहाँ पहुँच जाएगी और उसके बाद लड़का जो है वो पहुँच जाएगा और यहाँ आज मंगनी की अंगूठी पहनाई जाएगी और शादी और शादी अगले वीक हमारे ही साथ होनी है। अच्छा मैं सबसे पहले अपने सेट को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारी तालियां मेरे मेहमानों के लिए। सबसे पहले इधर से आ जाए उफेरा के लिए बहुत सारी तालियां जी। दोस्तों जब मैं बोलता हूँ बहुत सारी तालियां तो बहुत सारी होनी चाहिए।
मैसल के लिए तो बजा ही चुके हैं, थोड़ा आगे चलो। वो इसलिए नहीं बजाए क्योंकि ये तो हमारा दूसरा घर है, हम हर दूसरे दिन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। मैसल पैसल लकवी के लिए बहुत धन्यवाद मारिया के लिए, बहुत सारी तालियां जी। परवीन बॉबी के लिए बहुत सारी तालियां। जीनत अमान के लिए बहुत सारी तालियां। रीमा जी के लिए बहुत सारी तालियां। अब बशीर भाई के लिए बहुत सारी तालियां। मिसेस खान के लिए बहुत सारी तालियां, रानी आपा के लिए, ऑफ कोर्स फारा के लिए, शर्मा के लिए बहुत सारी तालियां, जारा के लिए ताली तो बजाओ तुम लोग, क्या फर्क वली शेख साहब के लिए तालियां, बहुत सारी तालियां, वर्दा के लिए बहुत सारी तालियां जी, अंबर के लिए तो बजाई दो, फरीदा आपा के लिए बहुत सारी तालियां। सदा पीर भाई के लिए बहुत सारी तालियां। सदा और उनके साथ रहने वाले इंतहाई खुश हस्बैंड के लिए बहुत सारी तालियां। कामी और शामी के लिए जो दिल चाहता बजा दो। इधर आओ टॉफी भाई, जरा दिखाएगा मेरा सेट तो मैं एक्सप्लोर करूं। वाकई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये देखिए मुझे लग रहा है यार ये मतलब मेरा दिल चाह रहा है शादी करने। हाँ हाँ, नो किडिंग, दिस इज नाइस। मैं भी 11 साल के बाद चाहता ही है, कह रहे हैं नेचुरल है, नहीं लेकिन पता है सिर्फ दिल चाहता है, फिर दिमाग कुछ और कहता है। क्या सुननी दिमाग की चाहिए आपके ख्याल में? अगर मैं दिल की सुनता तो अब तक 15-20 होती। ये तो है, नहीं नहीं ये देखिए बहुत खूबसूरत लगा इंडी है ना, बहुत बस यहाँ पर जब ये शो खत्म हो जाएगा तोड़ लेना है सारी चीज़। नहीं नहीं अच्छा ये नहीं नहीं ये कल चेंज हो जाएगा। ये देखिएगा जी, आई लव इट, यार लाइक इट, यार ताली वाली बजाओ गलत है। All this is beautiful. अच्छा ये जो इसकी अरेंजमेंट है ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, इट्स वेरी क्लासी, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू दावत वालों के लिए। हाँ जी बता देते हैं, ऐसी भी जल्दी क्या है, हमारे शो तो गुजरने दो, फिर बता देंगे यार। अभी अगर बता दिया तो कल कोई और ले जाए, फिर आपको पता ना रेटिंग शेडिंग का मसला होता है। हाँ बिल्कुल नहीं बता रहे, मैं तो अपना नाम भी नहीं बताना चाहता। छोटा सा ब्रेक जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। लड़की वालों को इंतजार है क्योंकि आज मंगनी होने जा रही है, हमारे सेट पर रियल मंगनी है और रियल शादी होगी। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Oh,
धड़कता है बार बार क्या पूछे धड़कता है बार बार क्या पूछे आ गया जो किसी के प्यार क्या पूछे आ गया जो किसी के प्यार क्या पूछे दिल जो है मुझे वैसे वाकई लग रहा है कि शादी का घर है लोगों से ही बिल्कुल सही है बिल्कुल मारिया आप लोगों को पता नहीं है थर्सडे को यहाँ कटरीना आने वाली है क्या बात कर रहे हैं भाई वो मैंने फिल्म देखी हैरी मेट सेजल तो उसके अंदर वो कहती हाई होप्स हाई होप्स कौन होगा सिक्योरिटी पे अगर खुदा ना करे तुम लोग हो गए तुम लोग तो ये तो किसी जिंदा खातून को मुझ तक आने नहीं देते अच्छा जी तो आज ये बच्ची जो है ये अच्छा सालन जरा मैं बता दूँ ये लड़की जो है ये बेटी जो है ये सरगोधा से आई है यहाँ पे इनकी वालदा का जरा म्यूजिक बंद कीजिएगा थोड़ी सी सैड चीज़ है लेकिन उसके बाद हम हंगामे पे आएंगे इनकी जो वालदा हैं उनकी अप्रैल में डेथ हुई थी और उनकी ख्वाहिश ये थी कि इनकी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से हो अरेंज मैरिज है लड़का जो है उसका नाम मोहम्मद अकरम है इकराम है और वो लाहौर से हैं तो लड़का भी आ चुका है कल उन्होंने ट्रैवल किया है कल वो लोग आ चुके हैं और लड़की भी आ चुकी है आपसे थोड़ी देर के बाद हम उस बेटी को यहाँ लेके आएंगे आप लोग खूब उनका इस्तकबाल कीजिएगा आप लोग भी इस्तकबाल कीजिएगा ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कुछ भी कहना ऐसा ही है कि जैसे आपने अपनी नेकी की और उसके बाद उसको बर्बाद कर दिया ये बिल्कुल आप लोग सब इस शादी में शरीक हो जाइएगा ये एक माँ की ख्वाहिश थी कि वो अपनी बेटी को बहुत धूमधाम से रुखसत करे एंड आई प्रॉमिस यू अगले 10 दिन हम अपनी पूरी जान लगा देंगे अपनी इस बहन को रुखसत करने के अंदर तो मेक श्योर कि आप इसमें मेरे साथ दें और जितना शोर मचा सकते हैं उतना शोर मचाएं और तो आपके चैनल के हाथों तो अच्छा भाई एक बात है मेरी टीम के लिए तालियां बजा दें क्योंकि सारा क्रेडिट मुझे मिलता है जबकि मुझे वाकई नहीं मिलना चाहिए आपका चैनल
आप लोग, आपकी टीम, और ये बड़ी बात है कि पूरी दुनिया देखेगी इतनी धूमधाम। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और ये तो साहिर लोधी के शो में जितने भी ओकेजन हुए वो सब के सब रियलिटी पर मबनी है। अच्छा एक और बात, मुझे ये मत समझिएगा कि कोई ये फेक शादी है, बिल्कुल रियल है, बिकॉज मैं किसी एक्टर जिसकी ऑलरेडी शादी हुई है उसकी शादियां नहीं करवाना चाहता। I'm being very honest. It's just, क्या यार मेरी शादी हुई है मुझे दूल्हा बना के बिठा दोगे क्या? मतलब अजीब सी बात है। दुल्हन बदली भी हो तो बात भी है, दुल्हन भी बराबर में वही। आपके मियाँ क्लासेस देते हैं क्या? वो क्लासेस नहीं देते, वो क्लासेस लेते हैं। शब्बीर भाई बहुत ऑनेस्टली आई लव हिम, आई लव इज माय ब्रदर, और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, बल्कि बड़े तरीन नामों में से एक नाम है। बहुत सारी तालियां शब्बीर भाई। मेरे पे मत जाया करें, मेरे पे मत जाया, ऐसी नहीं है। खुद ही नहीं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा नाम है, मैं बहुत बड़ा नाम भी है। आप बहुत थोड़ा नाम है, इनको तो निकाल दे आप कल से। इतना अच्छा सेट है मारिया, तो फिर बना लो प्रोग्राम। वैसे ये बात अभी हमें मेकअप में पता लगी, वो वालदा थी। सच बात है ये जो साहिर ने कही कि ये वाकई कोई फेक शादी नहीं है, वो बल्कि उन्होंने कहा कि शादी है। मैंने कहा अच्छा शादी है किसी की, मगर नहीं नहीं ये असल शादी है। वो माँ थी जो भी उनके साथ थी वो दुल्हन की, उन्होंने मुझे ये बात बताई। हाँ, और हम सब लोग भी खड़े थे वहाँ मेकअप। मैं अंबर फैसल, हम लोग सब इस बात के गवाह हैं। इतनी धूमधाम से शायद अपनी वालदा जो इनकी शादी नहीं कर सकते, अल्लाह ताला को इनका वसीले बनाता है। आपको भी मेरी तरफ से, हम सबकी तरफ से मुबारकबाद। हमारा शादी नहीं हो रहा जो मुबारक दे रहे। आपको मालूम है हम मॉर्निंग शो उठते, हम सुबह 9 बजते ही अपनी अफगान जलेबी शुरू कर दें। आज अफगान जलेबी का मेरे मेरे, मेरे घुटनों में दर्द होने लगा। अच्छा जी, हम अफगान जलेबी लगाएंगे, लेकिन तैयार हो जाइए क्योंकि लड़की आने वाली है। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इंतजार था वो घड़ी आ गई है। आइए इस्तकबाल करते हैं हमारी जो दुल्हन है, उसका दुल्हन का नाम है किंजा, किंजा मुश्ताक उनका नाम है। तो जरा कट कर दीजिएगा और दिखाइएगा और चक दे फट्टे होनी चाहिए।
जरा गाना लगाइएगा, गाना लगाइएगा। ओ मैं यहाँ पर कौन सा यूं करते हैं ना फरीदाबाजी यूं करते हैं। है ना अरे बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, इनको जगह दे दी, थोड़ी सी जगह दे दी। हाँ जी, बहुत अच्छी, आपने मिठाई दिखाई है, खिलाई नहीं है। हो गया गली भाई, उसके लिए खुद आना पड़ेगा। ऐसे बैठे थे जिनको सिर्फ मिठाई की खुशबू सुंघानी थी। कैलोरीज गेन, बचत करें, बचत कम खाएं। अच्छा थोड़ा सा, मैं लेकर आई थी आपके पास यार। वाकई शादी का घर लग रहा है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। अच्छा माइक देने का मुझे पहले शादी का घर लग रहा है। आप दोनों पीछे खड़ी है, जो फोटो आई ऐसे करो। तुम्हें मना किया था, तुम मत आया करो। क्यों? देखा बच्चा रह गया, बच्चे रोते हैं। मारिया, मैंने कहा थोड़ी सी शादी का घर है, स्टेज के पीछे दोनों खड़ी है, सारे फोटो बच्चा रह गया। हां जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका नाम? साइलेंस साइलेंस प्लीज। गर्ल्स तो कोई भी नहीं है यहाँ पर, कोई बात नहीं। जी जी सावर, गुलाम फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपका क्या रिश्ता है? मेरी नवासी। आपकी नवासी हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? आपकी कौन है? मेरी भांजी हैं। आपकी भांजी हैं, तुम तो दुल्हनी हो ना? ओके। इनका नाम किंजा है। किंजा, किंजा, ऑफ कोर्स। इतनी छोटी सी है कि मेकअप रूम में जब तक उन्होंने बताया नहीं था, पता नहीं चल रहा था कि उसे। और मेरी छोटी सिस्टर थी जिनकी डेथ हुई, और उनकी बहुत ख्वाहिशात थी कि वे मेरी बेटी की धूमधाम से शादी हो, और मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ, उसकी ख्वाहिशात पूरी हो गई। अच्छा, मैं आपको 23 अप्रैल को जुदा हुई है, लेकिन अभी उसको 5 महीने हो जाएंगे 23 अप्रैल अगस्त को, तो उसकी ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अल्लाह पाक आपको बहुत है और बहुत इज्जत दे, अल्लाह पाक आपको आमीन आमीन आमीन। तो आप क्या कुछ भी नहीं दे सकते। अच्छा, उनको चुप कराइए, आपकी मदद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप अल्लाह मियां सब्र दे आपकी। देखे ना दुआएं कितनी है, खुशियां मनाएं। आप जाना सके, सोचें कि माशाल्लाह आप लोग कितना खुशनसीब, आपकी भांजी हैं, किंजा माशाल्लाह, देखें कि साहिर लोधी के शो में और पूरा TvOne का मॉर्निंग शो में धूमधाम से इतने इज्जत के साथ, इज्जत उनके साथ। हां नहीं, अब वसीला देखिए अल्लाह ताला करता है। बिल्कुल जी, अल्लाह इसके नसीब अच्छा करे। आमीन सुम्मा आमीन। देखे माँ की दुआ ऐसे लगती है ना, माँ ने दुआ की। आपकी भांजी जी, कितना प्यार था आपको अपनी बहन से, जाहिर है बहुत ज़्यादा। आज आपके लिए कैसा दिन? अच्छा और बुरा भी। नजर आ रहा है, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। अरे हम खुशियों के लिए आए हैं, बस जो होना है। बोले
ठीक हो बेटा, इट्स ओके, इट्स ओके बेटा, सब रोएंगे तो वो भी रोएगी। हम यहाँ हल्ला गुल्ला करने धूमधाम से इतना अच्छा सेटअप के लिए सजा के आपसे खुशियाँ मनाने आए। अच्छा ये पकड़े। अच्छा जब हम वापस आते हैं तो इसके बाद आई प्रॉमिस के बहुत सारी खुशियाँ होंगी। रोना रोना नहीं है, हम सब मिलके अगले 10 दिन में इनकी शादी करेंगे और बस अब थोड़ी देर के बाद लड़के वाले भी आ जाएंगे और उसके बाद हम हंगामा करेंगे और इसके बाद आप अफगान जलेबी देखेंगे। अभी नहीं, अभी नहीं। भाई साहिर भाई अफगान जलेबी तो सुनिए ना, आपने सुनिए ना। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अरे एक मिनट, होल्ड ऑन धमाका फैमिली। अफगान जलेबी जानते? अरे तुम जानते हो अफगान जलेबी? आपकी भाभी है होने वाली। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक।
सुनिए, अभी इसीलिए मैं शादी नहीं कर रहा, इसीलिए शादी नहीं कर रहा, अभी बच्चा रो रहा था ना, बाद में भी बच्चे रोते, इसीलिए शादी नहीं कर रहा मैं। अभी तक तो ये भी रो रहा है। एक मिनट, छोड़े मट्टी डाले, क्या बच्चे होंगे तो रोएंगे ना। आए आए, क्या कह रही है? यस, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस सेहत में सिर्फ 40 होगा बस। आए कबर की जगह मैंने देखी थी। चलो लेट्स गो फॉर अ कबर वाला केस ही नहीं। अच्छा, पेट्रोल डाला। ओह बहुत खूब, बहुत खूब। एक ऐसी लंबी सी चटाई बिछाई जाएगी, चटाई साहिर साहिर इसकी भी जरूरत नहीं है। हाँ उसकी भी, लेकिन उसकी भाई कुछ भी कर लो, शादी करके ही मरूंगा क्योंकि इतना अच्छा माहौल है। और मार के भी मरूंगा। मिर्जा साहब, अपनी सेहत से बड़े कामों की सोच नहीं रखते। ऐसे ही सोचो वाले बड़ा काम करते हैं। शादी के नाम से ही मर जाओगे। इनके सीने में दिल है। दिल भी नहीं है इनके सीने। आप इनके साथ एक मिनट, आपको इंसान का बुरा तो नहीं लगा? बंदर हड़ताल कर रहे थे, हमें भी भुला छोड़े थे। चलो जबरदस्त। अरे आपा, ये वही मिसेस खान, इनके लिए लड़की देख ली आपने? लड़की देखी क्या? लेकिन वनी भाई इनके जैसी, मैं तो कहती हूँ इनके शादी की आंखें हैं, इनकी शादी निपटा दो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बेटा। आपकी शादी होगी, इनका स्वयं होगा। बैठ जाइए, बैठ जाइए मिर्जा साहब, बैठ जाइए। भाई ये वो आदमी है, चिड़ियाघर जाता है, बंदर हड़ताल कर देते, इसे खुला छोड़ा हुआ, हमें बंद किया हुआ है। बस तुम कभी मत चले जाना। हाँ देखो बंदर कितना खुश हो रहे हैं। वापस ले आने देंगे, वापस ले आने देंगे अगर गए तो। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, तुम बंदर की एक्टिंग कर सकते हो? मैं हाँ। भाई वो अच्छी करते हैं आप। जरा बंदर, ये बंदर की एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकते, करके दिखाइए। आ जाए करके दिखाइए। एक्टिंग आप फिक्र ना करें, बंदर नहीं मिलेगी, एक्टिंग थोड़ी करते हैं। चिड़ियाघर में बनवाना का पिंजरा पकड़ के खड़ा हुआ, बोला अब्बा परेशान नहीं हो, कल आपकी जमानत हो जाएगी। हनी भाई आप वहां पर क्या करते? ये पिंजरे के अंदर थे। बड़ी बड़ी मुश्किल से मिर्जा अपने वालिद की जमानत करके लाया। एनीवे छोड़ दीजिए। आप हम सब ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि जो 5 मिनट पहले रो रहे थे उनमें से हमारी प्यारी भाभी उठकर मेरे साथ डांस कर रही है। बहुत सारी तालियां। और भाई मैं तो उन लड़की वालों की तरफ से, ये आज से मेरी भांजी है, कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई। बेटा कराची में ऐसा हो जाता है, कभी कभी इंसानों में जानवर भी आ जाते हैं। नहीं, गोरिलों की कुर्बानी थोड़ी। अच्छा अच्छा, मामू देख ले, इसने भी मामू बना लिया। ये सोच रही है मैं जिसको बांधी बनाता हूँ उसकी शादी हो जाती है। नहीं, मसला ये, आप जिसके साथ बैठते हैं वो आपको मामू बना लेते हैं। जल्दी से बना लेती है। जल्दी से बनाती है। वैसे भी इसको यहाँ बिठाएंगे, किंजा उठेगी ना तो इसको बिठाएंगे ताकि जल्दी शादी। जारा को, आपको? यस, जारा भी तो शादी। मैं तो मैं खुश हो रहा था। अच्छा, मैं भी करा दूं शादी, अभी तक नहीं हुई। आप शादीशुदा हैं? नहीं हुई है। आप बस आपका गंजापन बता रहा है। आपकी जमानत एक दिन की है। आपका गंजापन से शादी का क्या ताल्लुक है? कोई लड़की ढूंढ लो मेरे लिए। ज्यादा खुशी है आपके लिए। आए आए।
मतलब मिली तो लड़की नहीं ढूंढी। मिसेस खान कौन सब सबके वीडियो छोड़ते हैं आप पर एक टैग लग गया है। अभी सब लग गया। अभी आप बाहर तो देखिए सबकी बीवियां खड़ी हुई हैं। सब कौन लग गया है? लड़की को पता ना मेरे को देखिए है ना पिटबुल उसका छोटा भाई यही है। कौन सा बोल? ठीक है पिटबुल इन्होंने ठीक है ठीक पहने में मैं आउट हाउस बोल साहिर इन्होंने ये इस तरह के कपड़े क्यों पहने मैं आपने इनको क्या मैं वाहिद चीजें यही थी जो ये पहन के निकल आए तो ये आपने कुछ बोला है वैसे भी आप परहेज किया कीजिए बरसात में निकलने से हाँ कबाब उठा के ले जा सकता है कबाब उठा के ले जा सकता है मिर्जा साहब नहीं 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 ये इनका इलाज डॉक्टर के पास हकीम के पास हिकमत में गंजबन का इलाज ज्यादा है बेहतर है गंजबन का इलाज अच्छा यार हम लोग जिनके लिए शादी हम ये सब कुछ कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए बोल रहे हैं उन्हीं को खुश कर रहे हैं शादी वाले अच्छा अच्छा आपसे थोड़ी देर के बाद लड़के वाले जो हैं वो आ जाएं आई थिंक आ गए हैं मुझे नहीं पता लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद हम लड़के वालों से आपको मिलवाएंगे और उसके बाद लड़के को हम यहाँ लेके आएंगे इसके बाद मंगनी की बाकायदा रस्म अदा की जाएगी आज मंगनी की रस्म होगी कल हमने मंगनी के बाद पहली ढोलकी रखी है और वेंसडे को हमारी मायूँ जो है हमारी दुल्हन मायूँ बैठ जाएगी दुल्हा के साथ बैठ जाएंगी और इसके बाद फिर ढोलकियाँ शुरू होंगी फिर मंडे को अगले मंडे को बाकायदा मेहंदी होगी फिर उसके बाद एक और मेहंदी के बाद की एक और ढोलकी है वेंसडे को हमारी शादी है थर्सडे को वलीमा है और फिर फ्राइडे को चौथी की जो तकरीब होगी और उसके बाद जाहिर है हम अपनी दुल्हन को रुख्सत करेंगे यहाँ से रुख्सत तो ये थर्सडे को ही हो जाएंगी वेंसडे को जाएंगी जब इनकी शादी होगी लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि हम सब यहाँ जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ इस बच्ची की मोहब्बत में कर रहे हैं किंजा की मोहब्बत में कर रहे हैं इनकी वालदा के लिए ये जो शख्स यहाँ पर बैठे हुए थे और मेरे साथ डांस कर रहे थे ये किंजा के वालिद हैं कैसे हैं सर आप मुश्ताक साहब और आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके हमने आपका इस्तकबाल ठीक किया है बहुत खुश हूँ आपका ये इस्तकबाल देख रहा हूँ क्या चाहिए मैं अगर हमसे कहीं कोई गलती हो जाए तो आई एम रियली सॉरी लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा फील करवाएं आपको अपनी बहन की आपकी बेगम की कमी महसूस ना हो मुझे मालूम हमारी सोच से बढ़कर हो रहा है थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया तो मैं ये चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल इसको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे आपके घर की शादी है सोनू लोगों से भी मैं यही कहूँगा सोनू के जितने ग्रुप वाले हैं उनसे भी यही कहूँगा शामी कामी से तमाम लोगों से आप सब से यही कहूँगा अच्छा आप बिल्कुल नहीं बोलती हैं बोलती हैं कभी कभी माइक की जरूरत जिसको सुबह से मैं चुप बैठी हूँ हेलो चिंगारी लगाना चाह रही हूँ चिंगारी अभी तो आप बाहर निकले सबकी बीवियाँ आपको पकड़ती हैं जो सबके लिए एक एक बीवी ढूंढ के लाएंगे सबसे पहले तो सदा का लाइन है सबसे पहले सदा ब्रेक है हम मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा किंजा की शादी के लिए हमारे साथ ही रहिएगा अच्छा जी लड़के वाले जो है मेरे ख्याल में मुझे कैमरा में इशारा करके बता दे लड़के वाले आ गए नीचे हम जा सकते हैं हम उधर कट कर सकते हैं बता दे मुझे कट कर सकते हैं हम बताएं मुझे कोई कट कर सकते हैं अच्छा जी आप लोगों की इजाज़त है हम कैमरे से भी दिखाएंगे उसके बाद फिर ज़रा कट कीजिएगा वहाँ पर इस्तकबाल हो रहा है ज़रा कट कर दें वहाँ पे ओ माय गॉड ओए होए चलिए आ जाइए पप्पा जी वाह वाह
अच्छा अच्छा, मुझे जरा खालदा के पास लेके जाएं, जरा इनसे बातचीत तो कर लें, उसके बाद हम लोग जाएंगे इनके पास। खालदा किधर हो तुम? हाँ हैंड माइक ले लो, हैंड माइक दे दो पाजी, हैंड माइक दे दो। ओके ओके ओके, हाँ जी खालदा किधर हो तुम? खालदा खालदा, अरे खालदा आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हमको आवाज नहीं, खालदा को आवाज ही नहीं जा रही है, खालदा को आवाज नहीं जा रही है, अरे खालदा को आवाज नहीं जा रही है। खालदा इधर उधर देख रही है, थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ओ पाजी कोई बात नहीं, खालदा खालदा जी, और जी भाई, अरे आ गई आवाज आ गई। जी हैं और ये इनकी फुफो है, ये इनके चाचा हैं। तो जी कैसे हैं, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा अच्छा, इनका कहना है कि काफी देर हो गई है इनको, लेकिन इनको दूल्हे वालों की तरफ से कोई लेने नहीं आया, तो भी नेक्स्ट ब्रेक में हम आपको इन करवा रहे हैं और जो है वो आपकी मंगनी की रस्म की जाएगी। तो नेक्स्ट ब्रेक में हम आपको ले जाएंगे ना, मैं आपको रिसीव करने आई हूँ, मैं आपको ले जाऊंगी। अच्छा ये थोड़े से नाराज हैं साहिर भाई, ये थोड़े से नाराज हैं, ये दूल्हा की फूफो, ये कह रहे हैं कि आपके घर रिश्ता थोड़ी किया है, दुल्हन वालों की जाने से कोई ना कोई होना चाहिए। होल्ड ऑन, अरे यार एक मिनट खालदा, ये बताइए मैं जा सकता हूँ नीचे? मैं जा सकता हूँ? काशान मुझे बताया मैं जा सकता हूँ? जरा मेरी इनसे बात कराएं, ये खातून जो हैं इनसे बात कराइए मेरी। खालदा छोड़ दीजिए, खालदा इनसे मेरी बात करवाइए, इनसे बात करवाइए। अरे यार इनसे मेरी बात करवाइए, छोड़ दी, चुप हो जाइए, ठहर जाइए ठहर जाइए ठहर जाइए, एक सेकेंड। खालदा खालदा छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए, इनसे मेरी बात करवाइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप सुन रही हैं? जी जी मैं सुन रही हूं बिल्कुल। अच्छा एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, घबराइए नहीं घबराइए नहीं घबराइए नहीं, फिक्र मत कीजिए फिक्र मत कीजिए। मुझे बताइए नाम क्या आपका? जी मेरा फरहत। फरा फरहत, अच्छा फरहत, तो क्या मसला क्या है, मतलब हमने तो आपके लिए यहाँ पूरा इंतजाम किया है, सब कुछ इंतजाम किया है। तो भाई आपने तो इंतजाम किया, हमने उसकी बहुत खुशी है, लेकिन कम से कम इतना तो एटिकेट्स होने चाहिए ना लड़की वालों में कि उन्हें हम टाइमिंग डिसाइड करके हम लाहौर से मतलब यहाँ शादी करने के लिए आए हैं, तो कोई रिसीव करने के लिए तो हमें हो। अच्छा आप उधर ही रहिएगा, उधर ही रहिएगा, मैं आ रहा हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ। नहीं नहीं इट्स ओके, नहीं बहुत सारे लोग स्पॉइल करेंगे, लेट मी जस्ट गो देयर, मैं खुद आ रहा हूँ वहाँ पे, हम फिर बात करते हैं उसके बाद। हमने तो मतलब ये यार एक मिनट जरा इनको बोले, ये कौन आ गया यहाँ पे, प्लीज़ इनको बोले शोर मत करें, बिल्कुल भी शोर मत करें, बिल्कुल भी शोर मत करें। इन लोगों को बता दीजिएगा, देखिए हमने यहाँ पर सब कुछ आपके लिए किया है, ये लोग जो आके बैठे हैं ये भी आपके लिए बैठे हैं, हम लोग यहाँ पर डांसेस कर रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे, आप ही के लिए मना रहे थे, आपके बेटे के लिए मना रहे थे, ये तो बहुत अजीब ऑकवर्ड सी बात लगती है कि अच्छा आप क्या चाहती क्या है मुझे सब बताइए, क्या चाहती? भाई ये चाचू भी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोले, थोड़ा सा देखिए शादी ब्याह में ये सब कुछ हो जाता है। अच्छा एक सेकेंड मुझे बात बताइए, इस वक्त अभी अभी आपका क्या मसला है, इस वक्त क्या मसला है, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, आप यहाँ पर आ क्यों नहीं रहे? लेकिन वो ऊपर आपको वेलकम कर लेंगे ना, ऊपर आपको इस्तकबाल कर देंगे, तो यहाँ से थोड़ी सी नाराजगी खत्म करें हो जाता है। अच्छा दूल्हा साहब भी कुछ कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? वो आपको कन्विंस कर रहे हैं, उनकी सुन ले, उन बेचारे की मंगनी है। चल नहीं आज फर्स्ट डे है, कोई बात नहीं, हम ऑन एयर लाइव है। उसका भी तो ख्याल करना चाहिए ना। तो अब क्या इस चीज़ का हल क्या है, आप क्या समझ रही हैं? कोई एटलीस्ट कोई एक तो उनके घर से यहाँ पे मौजूद हो ना, कोई एक। अच्छा तो अच्छा आप फिक्र नहीं करें, आप हमें लेट हो जाएगा कि हम वहाँ मौजूद होंगे तो हम डायरेक्ट वहीं जाते हैं। अच्छा साहिर भाई कुछ कह रहे हैं? यार एक मिनट मेरे ख्याल में आपका ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से दूल्हे के किसी को लेके आता हूँ
और फिर आपको यहाँ से हम एस्कॉर्ट करके ऊपर लेके आएंगे दुल्हन को। अच्छा मैं मुझे एक ब्रेक पे लेना है क्योंकि कमर्शियल ब्रेक पे हमने जाना है। मैं कमर्शियल ब्रेक पे जा रहा हूँ, इसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नीचे चल जाऊँ। आप मेरे साथ चलिए, आप मेरे साथ चलिए, आपने चलना है, आप बल्कि बैठे रहिए, आप चलिए मेरे साथ और सर आप चलिए, बल्कि दुल्हन के वालिद आप फिर वो मना कर देंगे, बोले यहाँ पर इस्तकबाल के लिए नहीं, आप इधर आके बैठ जाएं। आप बहन मेरे साथ चलिएगा, अंबर यू कैन कम विद मी, और मेरे ख्याल है आप आ जाएं, सलमा आप आ जाएं, बल्कि अंबर बस हम तीन लोग जाएं। मैं छोटा सा एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद हम कोशिश कर रहे हैं मनाने की। छोटा सा एक बदमजगी हुई है और बदमजगी ये हुई है कि दूल्हा ने आने से इनकार कर दिया, यहाँ पे दूल्हा ने नहीं किया लेकिन दूल्हा के लोगों ने आने से इनकार कर दिया। एंड लेट्स सी, छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, होपफुली आज ये मंगनी हो ही जाएगी। छोटा सा एक इशू है और इशू ये है कि लड़के वालों ने ऊपर आने से इनकार कर दिया, हम नीचे जा रहे हैं। अंबर चलें, आप भी चलें, आप वहाँ से आ जाएंगे। हम कोशिश ये कर रहे हैं, इसी को हम इतना रियल रख रहे हैं जितना रियल हो सकता है। आप लोग भी दुआएं कीजिए, जो टेलीविज़न पे हमें देख रहे हैं वो भी दुआएं करें। दिस इज़ एज रियल एज इट कैन गेट। मेरे साथ अंबर हैं और अंबर के साथ उनकी खाला है लड़की की, और वी डू नॉट नो कि क्या होगा। वॉच योर स्टेप, अपना ये देखते रहिएगा, स्टेप देखते रहिएगा। कोशिश मेरी यह है कि हम उनको मना लें इंशाल्लाह। आखिरी खबरें ये हैं, क्योंकि मैं ब्रेक में भी नीचे गया था, आखिरी खबरें ये हैं कि लड़के वालों ने आने से इनकार कर दिया है और थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ख्याल से आप फिक्र नहीं करें, बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपको आगे आना पड़ेगा या वहाँ क्या है हमारे पास, वहाँ है। ओके ठीक है। दिस इज सॉर्ट ऑफ काइंड, कोई मसला नहीं है, सब लाइव है, ये हमारा टीवी है, तो इट्स ओके। आ जाएं, आराम से, अगर हिलता है कैमरा तो हिलने दे। ये हम जा रहे हैं, इस वक्त थोड़ी सी टेंशन हुई हुई है इसलिए, बिकॉज शादियों में अक्सर ये चीज़ें हो जाती हैं, बट वी डू नॉट कि इसका आउटकम क्या निकलता है। हम बड़ी मेहनत की है, आ जाएं। ये वाला माइक हम यूज करेंगे, इधर आ जाइए। वालेकुम सलाम। ये सलाम अलैकुम, कैसी हैं? खुशी के मौके पे, आज तो मैंने इतना कभी डांस किया नहीं, चूंकि आज खुशी के मौके में मैंने डांस किया है। डांस कर लिया तो हमें तो कितना वेट करना पड़ा, ये बताइए। इतनी दूर से हम माशाल्लाह ये रिश्ता करने के लिए आए थे, खुशी खुशी आए थे, यहाँ आके तो सब मलिया मेट हो गया, सारी मेहनत पे पानी फिर गया यहाँ। नहीं एक मिनट, अंबर थोड़ा सा इधर आ जाए ताकि सबको पता चल सके। मुझे बताएं क्या मलिया मेट हो गया, कब से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, वेन्यू भी इन्होंने ही डिसाइड किया, एटलीस्ट टाइम पर तो वेन्यू में होना चाहिए ना, किसी एक बड़े को वो हमें इन्फॉर्म करें कि हम लेट हैं या ट्रैफिक में फंसे हैं, कुछ तो हमें। अच्छा देखें, नहीं सुबह से एक मिनट मैं देखें, क्या कह रही हैं आप? सुबह से हम लोग वेट कर रहे हैं, लोगों का सिग्नल का ऊपर कर रही हैं, नीचे तो नहीं कर रही ना। अगर आप नीचे आ जाते, कोई आपका एक शख्स यहाँ पर होता हमें ताकि पता चलता। चाचू ये लोग हमारे साथ ऊपर थे, हमने ऊपर रखा, आप इनको क्यों आप ब्लेम कर रहे हैं? अंबर का माइक, अंबर ये वाला माइक यूज करो। हमने देखिए आपको वेलकम करना था, यही कि साहिर नीचे आते ढोल धमाके के साथ पहले दुल्हन की एंट्री होती है, आप समझे इस बात। मुझे एक मिनट बात करने दे, आपका क्या मसला है? हमारा मसला ये है कि अगर इन लोगों ने ऐसे ही करना था, इन लोगों के पास अरेंजमेंट नहीं था यहाँ हमारे इस्तकबाल के लिए। यार आप कैसी बातें कर रहे हो, क्या एक मिनट आप कैसी बात, एक सेकंड, क्या नाम है आपका? इकरार हुसैन, एक बात बताए, कैसी बातें करें कि अरेंजमेंट नहीं था, हम लोग सब वहाँ वो एक मिनट या जरा एक सेकंड आप कोई मत बोले ना, आप मजाक समझ रहे हैं इस चीज को, जरा कट कीजिए, दिखाइएगा मुझे, दुल्हन को दिखाएं, या आपको क्या लग रहा है ये हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अगर ये दुल्हन की तरफ है तो हमारी तरफ तो कुछ भी नहीं है। अरे यार तो हम सब
भाई की कोई वैल्यू नहीं समझी, ना मेरी भाभी की, ना मेरी बहन की। वेट करो, आने वाले चलो हमारी नहीं कर रहे थे, कम से कम अपने दूल्हे की ही कर लेते। आज आगे हम ये सारा सब कुछ देखे, हमें भी तो अपने उसमें जवाब देना होगा, फैमिली में, बिरादरी में। अभी से इतनी छोटी बात पे जो कि दुनिया आपको देख रही है, आप ये तो ख्याल कीजिए, आपके आप अभी से इश्यूज कर रहे हैं, आगे जाके कितने इश्यूज होंगे। छोटी सी बात नहीं है, हम आपसे माफी मांग लें उनकी। आप ये चाहते हैं, हम तो सेलिब्रिटीज है ना, हम देखिए आपकी बात, आपकी बहुत इज्जत है, प्लीज आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। एक मिनट थोड़ा सा जरा इधर बैठ जाओ, बल्कि बैठ जाओ यार, तो ये मसला ही एक अजीब सा। आप लोग चाह क्या रहे हैं? साहिर भाई अभी भी तो आए हैं, तो क्या पहले नहीं आ सकते थे? नहीं तो चले, आ गए ना, अब मसला क्या है? आप लोग ऊपर नहीं जाएंगे? हम ऊपर नहीं जाएंगे, हम ऐसे ऐसे अब हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो हम आए, क्या मतलब रिश्ता नहीं कर सकते? नहीं, ये जब इनके माजरत के लिए ये आई है यहाँ पे, वेट कर रही थी ऊपर आप लोगों का, नेटवर्क का प्रॉब्लम था जिसकी वजह से कांटेक्ट नहीं हो रहा था। तो आपके पास वेन्यू के टाइम है? यार एक सेकंड, मुझे एक माइक तो दो, एक मिनट यार, एक मिनट प्लीज। मैम क्या नाम है आपका? मैम फरहत, एक मिनट चुप हो जाइए, मुझे माइक एक दूसरा ला के दो, मैं अजीब पिंग पोंग बन गया हूँ यहाँ पे। कम अज कम दो बात आप मुझे बताइए, ये माफी मांगने आपसे आई है? मैं ये नहीं चाहती कि ये माफी मांगे, अगर वो माफी भी मांगेंगे। एक सेकंड अब्दुल्ला कुछ कह रहा है, वो जब साहिर भाई बोले ऊपर बैठते थे, नहीं तो वो माफी मांग रहे हैं आपसे। ऐसे नहीं होता, साहिर भाई ने तो सारी जिंदगी, चाचू को एक दिन में यार, चाचू को साहिर भाई खुदा है, ये पूरी जिंदगी का सवाल है जो आप बोलो। अच्छा यार भाई बात सुन, बेटा बात सुन, कोई बात नहीं, कुछ देर सवेर हो जाती, ये तो काम है। नहीं नहीं बिल्कुल कोई देर सवेर नहीं, आप लोग इस चीज को क्या छोटी सी बात समझ रहे हो? आप मुझे बताइए, हमें एक पैटर्न है, पहले लड़की आई, अब हम आते आपको लेने, वही नाच गाना होता, इस्तकबाल होता, आप तो पहले से इतना बरस रहे और हम लोग नीचे आ गए। मैं आपसे माफी मांग रही हूँ, मुझे क्या पड़ी बहनों की तरह? आप बताइए आप क्या कहती हैं? मैं तो यही नहीं, लेकिन इस चीज की तो कोई गारंटी नहीं ना आगे अगले। अरे यार एक मिनट अच्छा यार एक सेकंड ब्रेक है। अच्छा एक मिनट ब्रेक है। देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, हमको आज मंगनी की रस्म टाइम नहीं है भाई, हम इतनी दूर से इसलिए थोड़ी आए। यार आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब कुछ हम लोगों ने आपके लिए किया है? आपने हमारे लिए किया तो हम भी तो उसी के लिए आए। एक हम छोटा सा, अच्छा एक मिनट बहन, मैं आपको इसके बाद एक्सप्लेन करूंगा, एक मिनट। नहीं प्लीज बैठिए आप लोग बैठिए प्लीज आप भी बैठ जाइए, बैठिए। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक लेने के बाद आपके पास दोबारा आता हूँ वापस, इनको हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटा सा एक मुझे ब्रेक लेने दें, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद।